हेडफोन जो है ज़्यादा सेफ है। कोशिश कीजिए कि बहुत महंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हद तक नॉइस कैंसिलेशन या साउंड बर्स्ट प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन यूज़ करें। हम लोगों को केवल कान के इन्फेक्शन ही नहीं, हम लोगों को बच्चों की अटेंशन डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम पता लगनी शुरू हुई है। बच्चे बहुत कंसंट्रेशन क्योंकि हेडफोन में होती है, तो जो बाकी आसपास की साउंड्स हैं उनकी अटेंशन स्पैन्स उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। साथ में ये भी होना शुरू हुआ है कि बच्चों को जो साउंड है वो उसकी फ्रिक्वेंसीज़ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। कई लोगों की अपनी जो कान की छोटी मोटी समस्याएं थी जो उजागर नहीं हो रही थी, क्योंकि अब दोनों कानों में फ़ोन लगे हुए हैं तो जिसके पर्दे में सुराख वुराख है उसको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब वो हेडफोन लगाता है तो उसको ठीक नहीं सुनाई देता। देखिए, हेडफोन एक रियलिटी है, और एक छोटे घर में अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं और दोनों की क्लासेस लॉकडाउन में चल रही हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि एक तरफ एक टीचर बोल रहा है दूसरी तरफ, तो हमें हेडफोन तो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए दो तीन रूल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो आप एकदम सड़क छाप हेडफोन ना यूज़ करें, क्योंकि हमारे जो हेडफोन्स होते हैं उसमें साउंड बर्स्ट प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी है कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि मान लीजिए कोई स्टैटिक साउंड ज़्यादा आ गई या कोई एकदम साउंड बर्स्ट आ गया, कोई उसका कोई टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया और आप सुन रहे थे 60-40 डेसिबल की साउंड और सडनली 85-90 डेसिबल जितना धमाका हो गया कान में, तो जैसे मैंने कहा आपके जैसे ये फ्रिक्वेंसी में डैमेज हुआ है, इन्हीं वजह से फिर परमानेंट डैमेजेस होने शुरू हो सकते हैं। सो अगर आप कान में मशीन लगा रहे हैं ये वाली हेडफोन और ईयरफोन, तो पहले ये देख लें कि ये जान लें कि हेडफोन थोड़ा सा ज़्यादा सेफ़ है ईयरफोन से, ठीक है। जो कान में बिल्कुल बच्चे चिपका लेते हैं ताकि उनको कुछ इधर उधर का सुनाई ना दे, वो चीज़ डेंजरस है। सिर्फ साउंड की वजह से नहीं, आपने देखा हो कितने रेल पटरियों पे इंसिडेंट हो जाते हैं, अब लड़का चलता जा रहा है पीछे से ट्रेन आ गई वो भी नहीं सुना, ठीक है। तो आप ना ईयरफोन की जगह हेडफोन लॉन्ग 2-3 घंटे की कॉल में प्रेफर करें। ये ईयरफोन सिर्फ उन लोगों के लिए जैसे दौड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो निकल ना जाएं, थोड़ी देर के लिए चल जाएगा, लेकिन हेडफोन जो है ज़्यादा सेफ है। कोशिश कीजिए कि बहुत महंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हद तक नॉइस कैंसिलेशन या साउंड बर्स्ट प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन यूज़ करें, और यूनिफॉर्म साउंड क्वालिटी वाले फ़ोन यूज़ करें। कभी भी हेडफोन दो जने कोशिश करें ना बांटें, मतलब एक जने का हेडफोन दूसरा अपने कान पर ना लगाए, क्योंकि मान लीजिए किसी को एक भी जगह कान में कहीं इन्फेक्शन है तो वो जैसे ही दूसरे कान में लगेगा वो इन्फेक्शन उसके कान में जा सकता है। जैसे हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही सिंपल अल्कोहल वाइप से अपने फ़ोन्स को साफ़ करके हमेशा यूज़ के बाद रखें ताकि उसका नुकसान ना हो। पर हाँ, कंप्यूटर क्लासेस में हेडफोन्स की ज़रूरत तो है ही, तो जब नहीं पड़ेगी तो मत यूज़ करें, फालतू में मत यूज़ करें। कोशिश करें अपना 2-2.5 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस यूज़ ना, और उसमें भी बीच बीच में 5-10 मिनट की जो ब्रेक मिलती है उसमें उतार के रख दें ताकि कानों को हवा लगे। सो आप ये सोचिए कि ये हेडफोन वगैरह जो लगाते हैं या ईयरफोन लगाते हैं, इनके कान पहले से दुरुस्त होने चाहिए, तभी वो फ़ोन जो है वो लगाएंगे तो उनका काम ठीक चलेगा। तो इसलिए हेडफोन उन कानों में भी दिक्कत करेंगे जिसमें पहले से ही प्रॉब्लम हो, और लगाने से यही है कि इन्फेक्शन वगैरह, साउंड की प्रॉब्लम, सुनाई दिक्कत बढ़ जाना, ये सब हम देख रहे हैं आजकल, एडल्ट्स में भी देख रहे हैं, बच्चों में भी देख रहे हैं।